क्या हेयर लॉस रिकवर हो सकता है? मैं जो एरिया स्कैल्प में खाली नजर आ रहा है, जहां से बालों ने उगना बंद कर दिया है, या कहीं पे बालों की क्वांटिटी ज्यादा है कहीं पे कम है, वो फिक्स हो सकती है, या हेयर लाइन दोबारा से रीग्रो कर सकती है? तो इसके लिए आपको हेयर रीग्रोथ की साइकिल को समझना पड़ेगा, या वो न्यूट्रिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। किसी भी प्रोडक्ट या डीआईवाई को यूज करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब तक आप रेगुलर किसी भी प्रोडक्ट या डीआईवाई को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक बेनिफिट्स नहीं मिलता है। और डीआईवाई यूज करना है या प्रोडक्ट यूज करना है या ट्रीटमेंट करवाना है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। दूसरे लोग सिर्फ आपको ऑप्शन देते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। चूज करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आपको डीआईवाई पे भरोसा नहीं है, देन आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। लेकिन याद रहे कि 100 में से सिर्फ 10 ट्रीटमेंट ही सक्सेसफुल होते हैं, 90 ट्रीटमेंट फेल जाते हैं। आप कुछ लोगों से पूछ सकते हो कि जस्ट उनका पैसा वेस्ट हुआ, उन्हें कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन नेचर के थ्रू मीन्स नेचुरल तरीके से आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि योगा के थ्रू आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी क्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट को फॉलो करें या वो प्रोडक्ट जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके स्कैल्प या हेयर को प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मुलेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसका यूज करके आप अपनी रीग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स ये बालों में हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, पुराने से पुराना फॉलिकल्स ओपन होगा और कुछ ही दिनों में आपके स्कैल्प में दोबारा से बाल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज मैं आपसे ऑलवेज कहती हूँ कि कोई भी डीआईवाई या प्रोडक्ट काम नहीं करता, उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स वर्क करते हैं, वो आपके स्कैल्प या स्किन में जाके उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। तो जो डीआईवाई मैं आपसे शेयर कर रही हूं ना, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे, उनके लिए मैं 100% आपसे दावा करती हूं कि आपकी हेयर ग्रोथ रुकने वाली नहीं, अगर आप इसे डेली यूज करना स्टार्ट करते हैं तो। हर यूज के बाद हेयर वॉश करने की कोई जरूरत नहीं, और इसको अप्लाई करते ही कुछ दिनों के अंदर आपकी हेयर ग्रोथ तेजी से बूस्ट होगी। आपको अपने पूरे स्कैल्प में छोटे छोटे बेबी हेयर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस डीआईवाई को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ ही प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है बीटरूट, कच्चा बीटरूट। अगर आप किसी भी उम्र में इसे खाना स्टार्ट करते ना, तो ना ही आपकी इससे बॉडी हेल्थी होती है, बल्कि आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है, आप यंग नजर आते हैं। इसके साथ ही जो एजिंग की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, हेयर लॉस स्टार्ट हुआ, वो फिक्स होता है। मींस हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है, बिकॉज इसमें रिच मात्रा में वाइटामिन सी पाया जाता है। तो इसे हमें अच्छे से वॉश करके छील के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद मैंने लिया है 2 प्याज, अनियन को अच्छे से छील के इन्हें भी इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया। अनियन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, तो इसीलिए मार्केट में इसके प्रोडक्ट इतने ज्यादा भरमार हो चुके हैं। मीन्स हर एक ब्रांड इसका प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो आप इसे नेचुरली भी तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि नेचुरल एक्सट्रैक्ट तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प और आपके रूट्स में जाके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से प्याज को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे 5 से 6 गुड़हल के फूल। हिबिस्कस में रिच प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और बाल उगना बंद हो चुके हैं, तो ये काफी अच्छा काम करेगा, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा और रीग्रोथ को स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमें लेना है कुछ काली मिर्च, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता ना स्कैल्प में, तो हेयर ग्रोथ यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जड़ों में प्रोटीन बूस्ट होता है, जिससे फाइबर बनना स्टार्ट होते हैं और उनसे ही हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें ग्राइंडर लेना है और एक एक करके इन सभी इंग्रेडिएंट को उसमें ऐड कर देना है। ये जो भी फॉर्मूला बनके तैयार होगा ना, ये हेयर ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करेगा। आप एक एक करके इंग्रेडिएंट्स को रीड कर सकते हैं कि ये इंग्रेडिएंट सच में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत पहले से ही आयुर्वेदा में यूज होते हुए आ रहे हैं कि ये बालों को लंबा करने के लिए या बालों को घना मोटा रखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पहले की जो लेडीज होती थी, उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते थे, इवन सिर्फ वुमेन के नहीं, मैन के भी बाल कितने लंबे होते थे, घने होते थे, बुढ़ापे तक उनके बाल वैसे ही लंबे मोटे घने नजर आते थे, चाहे बेशक बालों का रंग सफेद हो जाता था। आपने अगर अभी देखा होगा कि कुछ दादी नानी जो गांव में अभी रहती हैं, उनके बाल काफी थिक एंड लॉन्ग होते हैं, वो व्हाइट होते हैं लेकिन बड़े और घने होते हैं, जिसका पहला रीजन है कि जो भी फूड ईट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नेचुरल है। दूसरा, उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट को अपने बालों पे ट्राई नहीं किया है, अब तक सिर्फ बालों में एक ही तेल अप्लाई किया है
और एक ही साबुन या शैम्पू से अपने बालों को वॉश किया, इसलिए उनके बालों में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आजकल हमारे बालों की नीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑयलिंग या शैम्पू से काम नहीं चलता है, तो इसलिए बालों को एक्स्ट्रा भी न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आप चाहें तो मसलिन क्लोथ से या सूती कपड़े से या छन्नी से इस तरीके से छान सकते हो, जिससे इसका पूरा जूस सेपरेट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में रेडी हुआ है। ये जो सीजन चल रहा है ना, इस वक्त आप कोई भी DIY अपने बालों या स्किन पे अप्लाई करोगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, बिकॉज ना ही अभी बहुत ज्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ही अच्छा वेदर है बालों की या स्किन की केयर करने के लिए। DIY को भी आप 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसे आपको डेली इस्तेमाल करना है। जब तक आप डेली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल कर सकते हैं, ताकि आराम से आप इसे डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे स्प्रे कर सके और हर एक बालों की जड़ों में, या फिर आप चाहें तो इसे कॉटन बॉल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉटन के थ्रू अप्लाई करें तो उस एरिया को ज्यादा कवर करना है जहां पे आपको बाल कम नजर आ रहे हैं, मीन्स जहां पे हेयर लॉस ज्यादा हुआ है, वहां पे आपको इस तरीके से ज्यादा क्वांटिटी मिले अच्छे से डैब डैब करके अप्लाई करना है, ताकि उस एरिया को अच्छे से कवर करने के बाद वो स्कैल्प में पेनिट्रेट हो, ताकि वहां पे जो बंद फॉलिकल्स है ना या जो बालों ने उगना बंद कर दिया वो उन्हें ओपन करके वहां से रीग्रोथ को स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप इसे 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। पहला, आप इसे स्प्रे कर सकते हो जिससे पूरे स्कैल्प को कवर कर सकते हो, अगर आपके स्कैल्प में थिनिंग हो रही है या बाल बढ़ नहीं रहे या हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है तो आप पूरे स्कैल्प को अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैच में हेयर फॉल है, मीन्स चारों तरफ आपके बहुत ही घने बाल हैं लेकिन जो टॉप एरिया है वहां पे आपको कम बाल नजर आते हैं, तो आप इस तरीके से टैप टैप करके कॉटन से अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको ऐसे ही बालों को छोड़ देना है, तुरंत हेयर वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर आप इसे रीयूज करेंगे तो इसमें जो बीट रूट यूज किया ना उसकी स्मेल प्याज की स्मेल को रिकवर कर लेगी, तो प्याज की स्मेल इतनी ज्यादा नहीं आएगी। वैसे जैसे ही आप इसे स्टोर करके रखोगे तो धीरे धीरे प्याज की स्मेल अपने आप ही चली जाएगी, तो आपको इंस्टेंटली हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे, आई मीन 1 या 2 दिन बाद भी अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे डेली यूज करना है। और अगर जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप कर रहे हो ना, तो आपकी हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल स्टॉप होने वाली नहीं है, आपके बाल ऐसे बढ़ेंगे कि बस बढ़ते ही जाएंगे। इसके साथ ही हेयर रिकवर भी होंगे, मीन्स जो डैमेज ड्राई हेयर है वो अच्छे से हेल्दी भी हो जाएंगे और बालों की थिकनेस भी इम्प्रूव होगी। बस इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी पे और उसकी कंसिस्टेंसी पे हमें ध्यान देना है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, करती रहूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आपके जो भी मेल या फीमेल फ्रेंड्स हैं प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स टू वॉच फॉर वीडियो, लव यू और बाय बाय, टेक केयर।